बीपीएससी का 3.0 ऑनलाइन एप्लीकेशन चालू हो गया है। देखिए आप साइट खोल लेंगे, साइट में देखिए ये आप साइट पे आ जाएंगे, ऑनलाइन bpsc.bihar.government.in पे नीचे देखिए यहाँ लिखा हुआ है ऑनलाइन अप्लाई, उसे क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही आपका फॉर्म खुल जाएगा। देखिए अब इसमें नाम इंटर कर लेंगे, नाम इंटर कर लेंगे, मिडिल नेम जो है आपका और लास्ट नेम है तो डाल लीजिए, पिताजी का नाम भी इसमें इंटर कर लीजिए, जिनकी शादी हो गई है, जिन महिलाओं की शादी हो गई वो अपने हस्बैंड का नाम इंटर कर लेंगे, अगर नहीं हुई है तो आप इसको ब्लैंक छोड़ सकते हैं। पिता का नाम, माता का नाम इंटर कर, आधार नंबर देखिए आप इसमें इंटर कर लें, और आधार नंबर इंटर करने में देखिए आपको पहले से PDF फॉर्म में 100 KB से कम का फाइल बना लेना है और उसको अपलोड कर लेना है। साथ ही साथ अपलोड करते जाइए कि आप इंडियन सिटीजन, अगर बिहार के निवासी हैं, देखिए आप अगर बिहार के निवासी हैं तो उसको निवास प्रमाण पत्र आपको लगाना रहेगा, अगर आप बिहार के निवासी नहीं हैं तो कुछ लगाने की ज़रूरत नहीं है, आप आगे बढ़ जाएंगे। देखिए एक्स सर्विस मैन आप हैं तो इंटर हाँ करें, नहीं तो नो कर दें। अगर आप शिक्षक कार्यरत हैं तो आप यस कर लें या तो नो कर लें। अब देखिए यहाँ ऑप्शन आता है बीएड का, बीएड का आप क्लिक कर लेंगे और पात्रता परीक्षा वन कर लेंगे। अब देखिए यह हम BTC के लिए 1 से 5 के लिए आप हम इसको अप्लाई करने का दिखा दें, कैसे अप्लाई किया जाता है। आप इंटर करने के बाद देखिए बीएड का बिंदु हट जाएगी, फिर से आप बीएड पे आके इसको सेलेक्ट कर लेंगे। इसमें 6 से 8, 1 से 5 और 9 से 10, 11 से 12 सारे ऑप्शन दिए हुए हैं जो आपके पास हो। अगर बिहार सेट है तो 9 से 10 आप भर सकते हैं, अगर सीटेट है सेकंड पेपर तो आप 6 से 8 पेपर भर सकते हैं, अगर फर्स्ट है तो आप BTC के लिए फर्स्ट पेपर भर सकते हैं, आप 1 से 5 भर सकते हैं। देखिए 1 से 5 के लिए सीटेट फर्स्ट पेपर पास होना जरूरी है, तो आप ये सर्टिफिकेट नंबर देखिए, आपके सर्टिफिकेट नंबर उसमें ना नहीं दिया होगा तो मार्कशीट नंबर में सीरियल नंबर दिया हुआ है, आप उसको इसमें सर्टिफिकेट में भर सकते हैं और उसका डेट आप इसमें इंटर कर लें। डेट इंटर करने के बाद आप PDF फाइल 100 KB में आप उसको बनाए रखें और साथ ही साथ अपलोड करते जाएं। देखिए सीटेट अपलोड हो गया। अब यहाँ पे शिक्षक विभाग के विद्यालय अध्यापक पद के लिए आपका इंटर कर दिया गया। अब देखिए नीचे लिखा है कल्याण विभाग में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति, उसको भी आप क्लिक कर लें, दोनों को आप अप्लाई कर सकते हैं, कर लें। और लैंग्वेज दिया हुआ है, आप अगर हिंदी आप लैंग्वेज डाल लें, उसके बाद आप डेट ऑफ बर्थ इंटर कर लें, दोनों आप विभाग इसमें चुन सकते हैं। डेट ऑफ बर्थ इंटर करते ही देखिए आपका क्लास 1 से 5 आ गया है, अब ये ऑप्शन खुलेगा, इसको ओके कर लें। ओके करते ही देखिए आपका सब्जेक्ट सेलेक्ट के लिए ऑप्शन आएगा, तो आप सामान्य सब्जेक्ट इसमें डाल देंगे, 1 से 5 में सामान्य सब्जेक्ट ही इसमें पड़ेगा, इसके अलावा और कोई सब्जेक्ट नहीं पड़ेगा। इंटर करने के बाद आप अपना एड्रेस इंटर कर लें, एड्रेस इंटर करने के बाद देखिए एड्रेस इंटर करने के बाद आप इसमें ईमेल आईडी इंटर कर लें। 1 से 5 में जो लैंग्वेज है सामान्य में आपको 2 लैंग्वेज का चुनना इसमें ऑप्शन नहीं है, इसमें नहीं चुनना रहेगा। अगर आपका बीएड है तो लैंग्वेज ऑप्शन, जैसे सोशल साइंस, जैसे 6 से 8 का आप भरेंगे तो आपका सब्जेक्ट का चुनाव करना जरूरी रहेगा, सेकंड पार्ट में पेमेंट के बाद सेकंड पार्ट में सब्जेक्ट का चुनाव करना रहेगा, और 1 से 5 में सब्जेक्ट का चुनाव नहीं करना है। अब इसको भर लेंगे सारे, दोनों में एड्रेस आप अपना इंटर कर लेंगे। दोनों जगह इंटर करने के बाद
नीचे ईमेल आईडी डी पाइएगा, ईमेल आईडी आप इसमें इंटर कर लेंगे, दोनों में सेम एड्रेस आप अपना इंटर कर लें। अभी नीचे दिया हुआ यू हैव रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन, तो अब यस ही रहेगा ये। आप ईमेल आईडी इंटर करें, ईमेल आईडी क्लियर कर लें, कंफर्म कर लें, उसके बाद वेरीफाई का ऑप्शन क्लिक कर लें। और नीचे दिया गया है मोबाइल का, तो आप मोबाइल ओटीपी, मोबाइल नंबर डालते ही ये ओटीपी आप चला जाएगा। अगली वीडियो में हम आपको बीएड का भी भरने का तरीका बताएंगे और 11 से 12 सेट पेपर 1 पेपर 2 दोनों का वीडियो हम उसमें इंटर कर देंगे। उसके लिए अलग वीडियो आप देख लीजिएगा। अब ये मोबाइल नंबर हमने इंटर कर लिया है, मोबाइल नंबर इंटर करने के बाद अब दोबारा इसको वेरीफाई भी ज़रूर कर लें कि आपने जो भरा है वो सही है कि नहीं। अब नाम, पिता का नाम, माता का नाम, सारी चीज़ें आप जो आधार नंबर वगैरह दोबारा से वेरीफाई कर लें, गलती हो तो उसको सुधार लें, बाद में मौका नहीं भी मिल सकता है, कोशिश रहे कि गलती ना हो। अब फिर से इसको मिला लें, मिला के सबमिट कर लें। देखिए आधार में लिखा हुआ है, लाल निशान बना रहेगा, इससे डरने की जरूरत नहीं है, ये ऐसे ही लिखा रहता है। प्लीज एंटर 12 डिजिट आधार नंबर, आधार नंबर 12 डिजिट पड़ा रहेगा तो भी कोई दिक्कत नहीं है, लाल इसमें शो करेगा निशान। अब सारी चीज़ें मिला लीजिए, निवास आपका बिहार का है कि नहीं। आगे आप आ जाइए, आगे आएंगे देखिए ये नहीं रहेगा आपका, सारी फाइलें 100 KB से कम का आपका बनेगा और जहाँ तक हो सके सर्टिफिकेट ही आपको स्कैन करके इसमें लगानी है सारी वीडियो में। चाहे वो सीटेट हो वो भी सर्टिफिकेट ही लगेगा, चाहे हाई स्कूल हो वो भी सर्टिफिकेट लगेगा, बीटीसी का मार्क्स उसका भी सनद ही लगेगा और ग्रेजुएशन का भी सनद इसमें आपका लगेगा। ओटीपी आप मंगा लें, ओटीपी मंगाने के बाद ओटीपी इंटर कर लें, सबमिट करते ही ये आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। रजिस्ट्रेशन करने के बाद आप दोबारा से उसको लॉगिन करेंगे, देखिए ये आपका रजिस्ट्रेशन हो गया है, यूज़र आईडी पासवर्ड आपको मिल गया है। अब इसको दोबारा से लॉगिन कर लें, ये हमने फिर से लॉगिन कर लिया। लॉगिन करने के बाद देखिए पहले ऑप्शन अब पेमेंट का आ जाएगा, आपको पेमेंट करना रहेगा। पेमेंट हो गया, पेमेंट कर लिया हम, देखिए पेमेंट प्रोसेस पर क्लिक करिए। आपको चाहे नेट बैंकिंग करना हो, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, तीन ऑप्शन है, तीनों में से आप किसी से पेमेंट कर सकते हैं। आप पेमेंट इसको कर लीजिए, पेमेंट करने के बाद आपको फिर से 15 मिनट का समय मिलेगा फॉर्म को भरने के लिए, 15 मिनट में आपको ये भर के सबमिट करना रहेगा। 15 मिनट में आप जल्दी जल्दी भरिए और लेकिन गलती ना करिए, दोबारा से वेरीफाई कर लीजिए। और इसमें लाइव फ़ोटो मांगी गई है, लाइव फ़ोटो के लिए आप लाइव वेबकैम कैमरा या लैपटॉप में अगर आगे का फ्रंट कैमरा हो उससे आप फ़ोटो खींच सकते हैं। आप अपनी सुविधा के अनुसार कोई भी अभी इंस्ट्रूमेंट यूज़ करके आप अपना फ़ोटो खींच सकते हैं। देखिए अभी पेमेंट हो गया है, पेमेंट करने के बाद देखिए ये ऑप्शन आ गया। अब फॉर्म आपको भरना रहेगा, आप क्लिक करेंगे इसको, अभी क्लिक करने के बाद एक फॉर्म खुलेगा,
और 15 मिनट का समय मिलेगा। सारी चीज़ें आप स्कैन करके रख लेंगे, पहले से पीडीएफ आप 100 KB में बना लीजिए। उसके बाद अब फॉर्म को एंटर करिए। अब देखिए ये खुल गया, फॉर्म खुल गया, 15 मिनट का टाइमर चालू हो गया। अब इसको पहला स्टेप नेक्स्ट कर लेंगे। नेक्स्ट करने के बाद देखिए, अब भी इस स्टेप में ध्यान से देखेंगे, विद्यालय अध्यापक मूल द्वारा। आप इसमें देखिए, इसमें ऑप्शन कई दिए हुए हैं। सबसे नीचे वाला जो ऑप्शन मिलेगा आपको, स्नातक तथा प्रारंभिक शिक्षा में द्वितीय वर्षीय डिप्लोमा, चाहे वो किसी के नाम से जाना जाता हो, उसी ऑप्शन को आपको क्लिक करना है। बिहार के निवासियों के लिए नहीं, ये अदर स्टेटों के लिए यही करना रहेगा, क्योंकि हमने ग्रेजुएशन के बाद BTC किया है, इसीलिए ये ऑप्शन हमको करना रहेगा, स्नातक के बाद द्वितीय डिप्लोमा। अब ग्रेजुएशन में आप अपना सब्जेक्ट इंटर कर लेंगे, जो भी सब्जेक्ट हो आपका, मैथ साइंस आपका स्टैटिस्टिक्स एंड साइंस मैथ है, तो इंटर कर लीजिए और सन इंटर कर लीजिए, और स्कूल का नाम आप पूरा इसमें इंटर कर लें, स्कूल का नाम। उसके बाद बोर्ड अपना इंटर कर लें, बोर्ड के अनुसार जितना नंबर पाए हैं, टोटल मार्क, फुल मार्क और परसेंटेज आप अपना इंटर कर लें। उसके बाद देखिए PDF फॉर्म में बना हुआ है, आप इसको PDF भी साथ साथ में साथ लोड करते हुए आगे बढ़ जाएंगे। देखिए PDF हमने बना के रखा हुआ है, आप PDF को लोड कर लें। अब नीचे अब आ गया आपका BTC। BTC में भी सब्जेक्ट मांगता है, तो BTC में ऑल सब्जेक्ट आप इसमें इंटर कर सकते हैं। जैसे सब्जेक्ट स्ट्रीम में आपको BTC का द्वितीय डिप्लोमा वर्ष का आपका सब्जेक्ट मांगेगा, आप सब्जेक्ट में ऑल सब्जेक्ट लिख के पढ़ सकते हैं स्ट्रीम में। उसके बाद अपना सन इंटर कर लें, उसके बाद इंस्टीट्यूट कर लें, क्योंकि इसमें ऑल सब्जेक्ट रहते हैं, सारे चीज़ों का मिश्रण रहता है, इसीलिए इसमें ऑल सब्जेक्ट आप डाल सकते हैं। उसके आगे देखिए सन है, सन आप इंटर कर लेंगे, और इंस्टीट्यूट का नाम अपना इंटर कर लेंगे, और बोर्ड में आप पासिंग ईयर हमने इंटर कर लिया है देखिए, और स्कूल का नाम भी हम इसमें इंटर कर लेते हैं। स्कूल का नाम इंटर करने के बाद देखिए आगे लिखा है बोर्ड एंड यूनिवर्सिटी। बोर्ड यूनिवर्सिटी में BTC का आपको बोर्ड है PNP इलाहाबाद, प्राधिकरण नियामक प्राधिकरण इलाहाबाद बोर्ड गोरखपुर, तो आप PNP इलाहाबाद इसमें PNP इलाहाबाद UP डाल के बोर्ड आपका आप इसमें इंटर करके आगे बढ़ सकते हैं। देखिए इसमें आप लिख लीजिए PNP प्रयागराज, इलाहाबाद की जगह प्रयागराज हो गया है, तो आप प्रयागराज अब इसमें इंटर कर लेंगे, PNP प्रयागराज, और अपना नंबर इसमें इंटर कर लीजिए, क्योंकि PNP प्राधिकरण नियामक प्राधिकरण प्रयागराज ही आपका बोर्ड है, उसी बोर्ड द्वारा ये आपका कराया जाता है। हम नंबर इसमें इंटर कर लीजिए, नंबर इंटर करने के बाद टोटल मार्क और नंबर और परसेंटेज डाल लीजिए। और देखिए नीचे लिखा हुआ इंटर द पोस्ट प्रायोरिटी नंबर, आप इसमें एक नंबर डाल के इंटर कर लेंगे। अगर दो पोस्ट रहता तो दो आप डाल सकते हैं, लेकिन इसमें एक ही है तो आप एक ही डाल के आप नेक्स्ट कर लेंगे। नेक्स्ट करते ही देखिए आपको बिहार के तैनाती स्थल का 3 सेंटर आपको चुनना है। देखिए अभी आ गया है, देखिए मांग रहा चॉइस ऑफ डिस्ट्रिक्ट प्रायोरिटी, आप डिस्ट्रिक्ट प्रायोरिटी आप दे सकते हैं जहाँ तैनाती स्थल है वहाँ का। ये सेंटर ना समझिएगा आप लोग, सेंटर नहीं है, ये तैनाती स्थल है जहाँ आपको ज्वाइनिंग करनी होगी नौकरी पाने के बाद, उसका जगह है, ये आप इंटर कर लेंगे। देखिए नीचे लिखा है हाई स्कूल का सर्टिफिकेट नंबर, हाई स्कूल का सर्टिफिकेट नंबर आप इसमें इंटर कर लेंगे और डेट इंटर कर लेंगे। नीचे देखिए लिखा है DLED डिटेल, DLED आपने जो किया है
वो किस बोर्ड से है ये आपको इसमें इंटर करना रहेगा, और उसका पासिंग डेट क्या है, और कितने मंथ का ड्यूरेशन इसमें लगता है फाइन करने में। इसलिए ये मांगा गया है, कई लोगों का 6 मंथ का NIOS का भी सर्टिफिकेट है DLED वाला, इसलिए इसको मांगा गया है ताकि हर सर्टिफिकेट का अलग अलग विवरण दिया जा सके। ये देखिए 24 मंथ का ये है अपडेट है, ये अदर वाला है, ये आप इसमें अदर भर देंगे क्योंकि इसमें PNP लागत का ऑप्शन नहीं है, तो अदर आप डाल देंगे। अब देखिए ये हाई स्कूल का भी हमने इंटर कर लिया है, डेट भी इंटर कर लिया, और सर्टिफिकेट नंबर और PDF फाइल भी हम इसमें इंटर कर लेते हैं। हो गया, देखिए ये हट के दोबारा से हम इंटर कर लेते हैं। अब नीचे देखिए वेबकम का ऑप्शन खुला हुआ है, वेबकम में आपका मांग रहा है वेबकम, ये देखिए ये मांग रहा है कि किस फोटो आपका खुला हुआ है, फोटो साइन अप इंटर कर लेंगे। देखिए वेबकम में आप वेबकम सामने करके फोटो खींच लेंगे, फोटो खींचने के बाद देखिए हमने फोटो खींच लिया है, फोटो खींचने के बाद फोटो आ जाएगी, अब इसको सबमिट करेंगे, सबमिट सक्सेसफुली लिख देगा, उसके बाद अब इसको दोबारा से सबमिट कर देंगे, अब सबमिट कर देंगे, सबमिट करने के बाद ये फाइनल हो जाएगा। सबमिट करने से पहले अब देखिए सबमिट करने से पहले अब इसको दोबारा फिर से मिला लें कि आपका कोई भी चीज़ छूटा तो नहीं है, या तो कुछ गलत तो नहीं पड़ गया है, और दोबारा से इसको मिला लेंगे। रिकन्फर्म करना बहुत ज़रूरी है ताकि गलती ना हो। दोबारा से आप सर्टिफिकेट आप दोबारा मिला लीजिए कि ग्रेजुएशन में आपको 2017 में ही है, और जो भी चीज़ें आपने भरा है वो सही सही है कि नहीं। दोबारा से वेरीफाई करने के बाद अब फिर से आप इसको नेक्स्ट पे आके आप इसको सबमिट कर सकते हैं, सबमिट कर दीजिए। सबमिट करने के बाद अभी सबमिट हो गया, दोबारा से आप इसको लॉगिन करके अब फाइनल प्रिंट निकाल सकते हैं। आपको वीडियो कैसा लगा है यह आप ज़रूर कमेंट में हमको बताएं, और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लें, धन्यवाद दोस्तों, ताकि हम अगली बार से अच्छे वीडियो अच्छी तरीके से आपके लिए वीडियो बना के पेश कर सकें।